100 RC हेलीकॉप्टर्स। मार्कापुर के गांव में मालनी कहकर एक लड़की रहती थी, धावन कहकर एक लड़का रहता था। धावन को उनका पिताजी ने एक RC हेलीकॉप्टर को खरीद के दिया। उसको लाकर मालनी को दिखाते हुए धावन, ए मालिनी, देखो मेरा पिताजी मेरे लिए एक RC हेलीकॉप्टर लेकर आया है। यह बहुत अच्छा उड़ता है मालूम। पहले तुम्हारे मुंह को RC क्या होता है पता है? RC का मतलब है रेडियो कंट्रोल, बोले तो रेडियो में सुनते हुए चलते वाले नहीं है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से असली हेलीकॉप्टर कैसे चलते हैं? वैसे इस रिमोट कंट्रोल जॉयस्टिक से चलाते है। तुम्हारे मिट्टी की दिमाग को यह सब कुछ समझ में नहीं आता है, कहकर उसको हवा में उड़ाया। उसको देखकर बहुत उत्साह होकर मालनी धावन से, वाव धावन, तुम्हारा RC हेलीकॉप्टर तो बहुत बढ़िया है, एक बार मुझे भी दो ना, मैं भी उड़ाती हूँ, कहकर पूछी। लेकिन धावन ने नहीं दिया था। अगले दिन मालनी 100 RC हेलीकॉप्टर्स को लाकर एक मैदान में लगाकर धावन को दिखाई। उन्हें देखकर हैरान होकर धावन, अरे ओ मालनी, इतने सारे RC हेलीकॉप्टर्स तुम्हें कहाँ से मिले हैं? कहकर पूछा। तब मालनी, कल मैंने तुमको पूछा था लेकिन तुमने नहीं दिया, इसलिए मैंने मेरे पिताजी को पूछा तो उन्होंने एक क्या कहकर 100 RC हेलीकॉप्टर लाके दिया। अब देखो इन सबको मैं कैसे उड़ाती हूँ। इतना ही नहीं, सब मीडिया वालों को बुलाकर ये सारे एक ही बार उड़ाती हूँ, तब मेरे नाम के ऊपर एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा। तब धावन ईर्ष्या द्वेष होकर मन में, ये मालिनी मेरे ऊपर दिखावट के लिए 100 RC हेलीकॉप्टर एक ही बार उड़ाने को देख रही है। इसका कोशिश को मैं जारी नहीं होने दूंगा, कैसे भी कुछ करके खराब करता हूँ। सोचकर उस रात कोई देखे बिना उन RC हेलीकॉप्टर्स में पटाखा रख दिया। वो हवा में उड़ने के बाद फोड़ने का व्यवस्था किया था। अगले दिन मीडिया के सामने मालिनी, ये एक महत्वपूर्ण कोशिश है, पहले ऐसे किसी ने नहीं किया। मेरे पिताजी को और मेरे गांव को अच्छा नाम कमाना है कहकर मैं ये फीट करने वाली हूँ, कहकर उन सब हेलीकॉप्टर्स को एक ही बार हवा में उड़ाई। बस एक ही बार 100 हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़े। ऐसे वे हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ने के बाद एक फोड़ने लगे और आजू बाजू वाले दुकानों पर घरों पर गिरकर आग लगकर पूरा जलने लगे। उसको देखकर लोग हैरान होकर, बाप रे, भागो, सब भागो, आग लग गई है, आग, ये आग आपके घरों के ऊपर और दुकानों के ऊपर फैलने मत दीजिए, कहकर सब लोग उनका सोच में जो आया वैसे उस आग को बुझाने का कोशिश करने लगे। बाद में मालनी को और उनके पिता मोहन मिश्रा को सब लोग गालियां देने लगे। एक, क्यों भाई मोहन, ये तो बच्ची है लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है? तुम्हारे वजह से देखा गांव वालों को कितना नुकसान हो गया है। गांव का नाम रोशन करेगा बोलकर पूरा गांव को जलाकर राख कर दिया, अब इस नुकसान को कैसे भरोगे, कहकर पूछा। तब मोहन को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया और उनका पूरा संपत्ति को बेचकर सबका नुकसान चुकाकर उनकी बेटी मालनी के साथ उस गांव को छोड़कर जा रहा था। तब रास्ते में एक स्वामी जी दिखाई दिए। तब स्वामी जी, क्यों मिश्रा, क्यों इतना परेशान लग रहे हो, क्यों गांव छोड़कर जा रहे हो, कहकर पूछा। तब मिश्रा ने जो हुआ उन्हें सब कुछ बताया। तब स्वामी जी उनका मंत्र शक्ति से और 100 हेलीकॉप्टर्स को सृजन करके मिश्रा को दिया। तब स्वामी जी, कुछ अच्छा काम करने के लिए देखे तो कुछ बुरे लोग उस काम को कैसे भी रोकना चाहते हैं। ये 100 हेलीकॉप्टर्स को ले जाकर फिर से तुम्हारी बेटी के साथ वो फीट को कराओ, रिकॉर्ड, रिवॉर्ड और अवार्ड सब अपने आप आ जाएंगे। वे उड़ने के बाद होने वाले जादू तुम खुद देखोगे। इतना ही नहीं, इसमें से एक RC हेलीकॉप्टर पिछले बार जो हादसा हुआ था उसका कारण कौन है उसको पहचान कर पकड़ेगी, कहा। तब मिश्रा, ठीक है स्वामी, आपकी दया, कहकर उन सब RC हेलीकॉप्टर्स को फिर से एक मैदान में रखा। उसे देखकर लोग फिर से गुस्सा होकर, क्यों भाई मिश्रा, पूरा संपत्ति को बेचकर गांव से भाग गए हो, फिर भी तुमको अकल नहीं आया है क्या? फिर से 100 हेलीकॉप्टर्स को लाकर तैयार हो गए हो, इस बार किसको जलाने के लिए देख रहे हो भाई? गांव में किसी को भी चैन से नहीं रहने देते हो क्या? जला दो, सबको जला दो, तब तुम और बेटी निश्चिंत से जियो, कहकर डांटने लगे थे। फिर भी उनका बातों को ध्यान नहीं दिया और उनके बेटी से मिश्रा, देखो बेटी, लोगों की बातों को दिल पर मत लो, स्वामी जी ने कहा था ना तुम पहले इनको उड़ाओ फिर क्या होगा देखेंगे, कहा। तब मालनी एक ही बार सब RC हेलीकॉप्टर्स को उड़ाई। तब उन हेलीकॉप्टर से सोने के सिक्कों की बारिश गिरने लगी। सब लोग अपने दुकान के ऊपर गिरे हुए सिक्कों को इकट्ठा करने लगे।
और लोग, अरे भगवान, इस बार ये मालनी और मिश्रा तो हमको अच्छा करने के लिए ही इस हेलीकॉप्टर्स को उड़ाए लग रहे हैं। सोने की बारिश से हमारे सबका मुश्किल ही नहीं, पूरा गांव का मुश्किल खत्म हो जाएंगे, कहकर सब लोग उनके दुकान के ऊपर और घर के छत के ऊपर सोने के सिक्कों को ढेरने लगे। एक आरसी हेलीकॉप्टर तो सीधा धवन के घर जाकर धवन के ऊपर आग की बारिश बरसाने लगी। धवन का बदन जलने से वो चिल्लाते हुए इधर से उधर भागने लगा। वो जहां भी भाग रहा था वो हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगी। वो देखकर लोग, ये क्या है, सबके घरों के और दुकानों के ऊपर तो सोने के सिक्के का बारिश हो रहा है, लेकिन धवन के ऊपर तो आग की बारिश हो रही है, क्या हुआ होगा, बात क्या है, कहकर चर्चा करने लगे। तब उधर स्वामी जी आकर, इस धावन के वजह से ही उस दिन मालनी के उड़ाने वाले हेलीकॉप्टर्स में पटाखे फोड़ गए थे और आपके दुकान जल गए थे। धावन को पकड़ने के लिए ही मैंने ये प्रयत्न किया था, कहा। तब सब गांव वाले धावन को बहुत डांटे। तब धावन गलती हो गया है और उसको माफ करने के लिए गांव वालों को पूछा। गांव में सोने के बारिश बरसाने के लिए इतना सहायता करने के लिए मालनी को और मिश्रा को सब लोग धन्यवाद कहने लगे। एक गांव में रोशन नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसे चॉकलेट्स खूब पसंद थी। वो हर दिन जब स्कूल जाता था तो उसकी माँ रेवती उसे चॉकलेट देती थी। एक दिन रेवती नाश्ते के लिए एक स्टील प्लेट में रोटी रख कर दी। रोशन वो रोटी स्टील प्लेट से निकालकर अपने बैग में रखे चॉकलेट प्लेट पर रख कर खा रहा था। वो देखकर रेवती, बेटा रोशन, ये क्या, प्लेट को चॉकलेट से किसने बनाया, तेरे पास कैसे आया? माँ, हर दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ तो आपके दिए हुए चॉकलेट्स को जमा करके ऐसा वाला प्लेट बनाया, और तो और मेरा ज्योमेट्री बॉक्स स्केल भी चॉकलेट से ही बनाया हुआ है। मुझे चॉकलेट्स खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन उनसे ही उन डॉल्स और चीजें बनाने में भी खूब मजा है। मेरे बेटे का दिमाग कितना होशियार है, फ्यूचर में बहुत महान इंसान बनेगा। यूँ खुशी महसूस की। वो गांव के आसपास एक खाली जगह पर चिल्ड्रंस पार्क था। रोशन अपने दोस्तों से मिलकर हमेशा की तरह एक बार पार्क जा रहा था, तो पार्क के बाहर एक बाबा को रोटी देने वाली एक पत्नी को उसका पति चरण राज। ये क्या, ये पागल जैसे बाबा को क्या दान कर रही हो, वो कोई तपस्या करने वाला मुनि है क्या जो वरदान दे सकता है? उसे अच्छा है कि मंदिर में जाकर जितना चाहिए उतना पैसा हुंडी में डालो। भगवान देखे तो कम से कम कोर्ट में जो अपना जायदाद का हिस्सा चल रहा है वो हमें वापस दे देगा, जाओ। चरणराज की पत्नी रोटी बाबा को बिना दिए चली गई। उस पर ध्यान दे रहा रोशन अपने पास रखे चॉकलेट्स बाबा को दिया। रे रोशन, चॉकलेट्स तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम तो खाने के लिए, खेलने के लिए, चीजें बनाने के लिए, सबके लिए चॉकलेट्स ही इस्तेमाल करते हो ना, तो फिर क्यों बाबा को दिए? हम खेलने के लिए तो पार्क जा रहे हैं, ये चॉकलेट्स बाबा को दे तो उनकी भूख जाएगी, इसीलिए दिया। भगवान सबका अच्छा करेगा, कहकर चले गया। रोशन अपने फ्रेंड से मिलकर पार्क में मौजूद खेल खेलने लगा। इस तरह हर दिन रोशन पार्क जाते वक्त यूं बाबा को चॉकलेट्स देते देख बाकी के बच्चे भी बाबा को बिस्किट्स चॉकलेट्स देने की आदत बना चुके थे। कुछ दिनों बाद चरण राज थोड़े गांव वालों को पार्क के पास लेकर आया और पार्क के पास आसपास वाली जगह दिखाते हुए चरण, देखो भाई लोग, ये खाली जगह हमारे पूर्वजों की है, हमारे दादाजी को बच्चे बहुत पसंद थे इसलिए ये पार्क बनवाए। ये गांव के लोग इस जगह पर आकर खेलते हैं और इतना आदत बना लेते हैं कि गांव वाले इस जगह को अपना मान बैठे हैं, इसलिए मुझ पर केस डाले। अब मैं केस जीत भी गया हूँ, कल ही मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, वो आने के बाद इस जमीन को साफ करके इस पर फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दूंगा। तब गांव वालों में से एक, हाँ, पार्क बनाने वाला वो बड़ा आदमी इस पार्क को गांव के लिए बिना रजिस्टर किए चले गया, इसलिए चरण राज को ही मिलने वाला है। देखो बच्चों, आज जो भी खेलना है खेल लो, कल ये पार्क में यहाँ से निकलवा दूंगा, कहकर चले गया। अब दूसरे बच्चों के साथ रोशन भी उदास होकर बाहर आया। पार्क के बाहर बाबा बैठे हुए थे। रोशन बाकी बच्चों के साथ बाबा को चॉकलेट इत्यादि दिया। बाबा, कल से ये पार्क नहीं होगा, हम में से कोई भी ये गांव के अंत तक नहीं आएंगे, आप भी कहीं चले जाइए। बच्चों, आप कुछ फिक्र मत कीजिए, ये पार्क कहीं नहीं जाएगा, आप सब कल आइए, मेरे यकीन कीजिए, भगवान सबका भला करेगा। अगले दिन बाबा की बातों पर यकीन करके सारे बच्चे पार्क के पास आए। हर बार की तरह ही रहने वाले पार्क को देखकर बच्चे चौंक गए और बाबा को चॉकलेट्स दिए।
बाबा चॉकलेट्स लेकर उन चॉकलेट्स को पार्क में डाला। तब पार्क में मौजूद सारे आयरन स्लाइडर्स, आयरन सीसो, झूले सब चॉकलेट्स में बदल गए। फिर इस चॉकलेट पार्क को बच्चों को दिखाते हुए बाबा, ये पार्क चरण राज के दादा बनवाए चिल्ड्रंस पार्क नहीं है, भगवान का दिया हुआ चॉकलेट्स पार्क है, जाइए खेलिए, ये हमेशा आपका ही होगा। बच्चे खुशी से चॉकलेट पार्क में खेलने लगे। इतने में चरण राज फैक्ट्री ओनर प्रकाश राज को वहाँ लेकर आया और, सेठ जी यही मेरा जमीन है, मेरे दादाजी ने इस चिल्ड्रन पार्क को बनवाया है लेकिन किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं किया, इसलिए ये मेरा हो गया। आप अच्छे से देखिए और पैसे भरिए, मैं कल ही आपका नाम पर रजिस्ट्रेशन बनवा लेता हूँ, आप आराम से फैक्ट्री बना सकते हो। देखो चरण, जो तुमने कहा कि कोर्ट ने अधिकार दिया वो तो चिल्ड्रंस पार्क के लिए है, लेकिन यहाँ तो चॉकलेट पार्क है, एक बार डॉक्यूमेंट्स दो। फिर चरण राज के पास मौजूद कागजात को देखा। सॉरी चरण राज, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पार्क में मौजूद तो आयरन के झूले, सीसा सब होना चाहिए, यहाँ तो सब चॉकलेट्स है, रियलिटी और डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, ऐसे लिटिगेशन वाला जगह पर फैक्ट्री हम नहीं बना सकते हैं, सॉरी आपके जगह हमको नहीं चाहिए, और तुम्हारे लिए एक सलाह है, फ्यूचर में भी इसको कोई नहीं खरीदेगा, कहकर चले गया। ये शौक से चरण राज वहीं बेहोश हो गया। रोशन बाबा को देखा, भगवान सबका भला करेगा,